वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांच इंजीनियरिंग में स्वागत करता हूं मैं बलराम प्रधान। गाइस टुडे आई एम डिस्कस कंपेंसेशन थ्योरम्स। गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मिलते हैं वीडियो के एंड। गाइस कंपेंसेशन थ्योरम्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंपेंसेशन थ्योरम्स। इन ए लीनियर एक्टिव बैटरी नेटवर्क इफ द लोड रेजिस्टेंस चेंज्ड बाय अ वैल्यू डेल आर देन द करेस्पॉन्डिंग चेंज इन करेंट इन अदर ब्रांचेस कैन बी फाइंड आउट बाय फ्लैशिंग ऑफ कंपेंसेटिंग वोल्टेज माइनस आई डेल आर source at the load terminal by keeping other active source inactive। guys next हम discussion करेंगे problem के बारे में। guys how to solve problems, चलिए शुरू करते हैं next problem। guys This is the question, guys। क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया फाइंड द कंपेंसेशन वोल्टेज टू बी कनेक्टेड एट द लोड इफ द इंक्रीज बाय 30%। नेक्स्ट हमको ऑल्सो फाइंड द चेंज इन करंट इन अदर ब्रांचेस। गाइस फर्स्ट हमको दिस इज द फिगर वन। गाइस इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। फर्स्ट चलिए आर इक्विवेलेंट 5+20 पैरेलल 20, इसके साथ ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल। गाइस इसको सॉल्व करेंगे 5+20 × 20 20+20। गाइस 5+ इसको हटाना होगा। इसका आंसर हमारा निकल गया 15 ओम। इसको हटा दिया 10+5 15 ओम्स। गाइस हमारा आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस निकल गया 15 ओम्स। गाइस नेक्स्ट हमको करंट निकालना होगा। गाइस आपको तो पता होगा करंट का फॉर्मूला I=V/R। V हमारा कितना 75, R 15। आंसर टोटल हमारा कितना निकला 5 एम्पियर। नेक्स्ट हमको I2 निकालना होगा। I2 निकालने के लिए हमको इस I into 5 × 20 20 divided by 20+20 40। दिस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस एंड मिडिल पोजिशन रेजिस्टेंस डिवाइडेड होगा इक्वल टू 2.5 एम्पियर। I2 हमारा निकल गया 2.5 एम्पियर। नेक्स्ट हमको नाउ लोड रेजिस्टेंस RL इक्वल टू 20+30%। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो
इसका आंसर आएगा 0.3 × 20 इक्वल टू 26 ओम। गाइस आरएल का हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल गया 26 ओम। नेक्स्ट डेल आर, डेल आर इक्वल टू 26 RL − R 20, टोटल आंसर 6। हमारा डेल आर निकल गया 6। नेक्स्ट हमको कंपेंसेटिंग वोल्टेज निकालना होगा, सी वोल्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में ले गया −IL ∆R मींस −IL हमारा निकल गया −2.5 × ∆R मींस 6। आंसर हमारा निकल गया 15 वोल्ट। गाइस फर्स्ट फिगर सॉल्व, नेक्स्ट इसको सेकंड स्टेप में सॉल्व करेंगे। गाइस दिस इज द फिगर टू, इसको हम सॉल्व करेंगे। दिस इज द कंपेंसेटिंग वोल्टेज 15 वोल्ट्स एंड दिस इज द आरएल 26 ओम्स यहां पे ऐड हुआ। दिस इज द सेकंड फिगर, इसको हम सॉल्व करेंगे। गाइस फर्स्ट इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे 20 ∥ 5 प्लस 26। जैसे कि आपको पता होगा इसको हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे 20 × 5 ÷ 20 + 5 + 26, इसको हम हटा देंगे 100 ÷ 25 4 + 26 इक्वल टू 30 ओम, इसका आंसर हमारा निकल गया। नेक्स्ट हमको I1 निकालना होगा, I1 इक्वल टू 15 ÷ 30 इक्वल टू 0.5 एम्पियर। गाइस नेक्स्ट हमको निकालना होगा I2 इक्वल टू 0.5 × 5 ÷ 20 + 5, तो दिस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस 25। गाइस यहां पर आंसर हमारा निकल गया 0.1 एम्पियर। नेक्स्ट I इक्वल टू I1 − I2, I1 इज इक्वल टू 0.5 − 0.1 इक्वल टू 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछा गया था आफ्टर कंपेंसेशन द चेंज इन ब्रांच करंट आर, गाइस एक सर्किट डायग्राम हमको बनाना होगा। फिफ्टीन वोल्ट। गाइस यहां पर हमको दिया गया, नेक्स्ट हमको निकालना होगा I2 और I1। गाइस चलिए I इक्वल टू
हमारा आई टोटल आई कितना निकलता 5 एम्पियर माइनस इसका आंसर 0.4 आई 0.4 इक्वल टू 4.6 एम्पियर आई हमारा निकल गया 4.6 एम्पियर। नेक्स्ट आई टू हमारा निकल था माइनस 2.5 माइनस 0.1 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 2.6 एम्पियर। गाइस नेक्स्ट आई वन निकालने के लिए हम 2.5 माइनस 0.5 इक्वल टू 2 एम्पियर। गाइस दिस इज द आंसर करंट आफ्टर कंपेंसेशंस द चेंज इन ब्रांच करंट दिस इज द ब्रांच करंट। गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए। मेरा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आप लोगों को मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकते। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।